श्री सुरभ्यै नमः। सर्व काम दुदे देवी सर्व तीर्थि विशेषनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्था घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभ्यै नमः। मेरे प्यारे बहुत प्यारे गोवत गो प्रेमी बच्चों, छोटे भैया बहनों, मेरे साथ एक बार सबने बोलना है, मात पिता का सत्कार करो। बोलो मात पिता का सत्कार करो और गौ माता से प्यार करो। बहुत बढ़िया, दोबारा से बोलेंगे, मात पिता का सत्कार करो गौ माता से प्यार करो। ये जो गौ माता है ना, हमारी माता पिता है। क्या है हमारी माता पिता? हमारे माता पिता कौन है? गौ माता। और गौ माता पता है कौन है? सर्वदेवमयी है गौ माता। सर्वदेवमयी, सारे देवी देवताओं का वास मेरी गैया मैया के अंदर है। गौ माता की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में कहा गया है, गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माता है। बोलो बच्चों, गाय पूरे विश्व की माता है। तो बोलो हमारी और आपकी माता हुई कि नहीं? तो बोलो गौ माता की। एक गौ माता, एक बार समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र का मटका बनाया और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और देवताओं ने दानवों ने मिलके मंथन किया। और फिर जब मंथन हुआ, खूब मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। लेकिन एक समय बच्चों पता है कैसा आया? मंथन करते 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 समुद्र से कामधेनु स्वरूपा 5 गैया मैया प्रकट हुई हैं। सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला। याद नाम हो गए? बोलो बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, सुरभि मैया। एक कामधेनु स्वरूपा 5 गाय प्रकट हुई और ये 5ों गाय पता है किसके हिस्से में आई? देवताओं के हिस्से में आई। किनके हिस्से में आई? लेकिन देवताओं ने अपने पास नहीं रखा। हम सबके कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। ऐसे 5 महर्षियों के आश्रम में इन 5ों गायों को भेज दिया गया, ठीक है। और उन्होंने फिर महर्षियों ने उन पर शोध किया, गौ माता के दूध के, गोबर के, गोमूत्र के, दही के और घी के ऊपर खोज की कि इन 5ों चीजों से मनुष्य की चिकित्सा हो सकती है। भयंकर से भयंकर बीमारियों को छोटे बच्चों काय से दूर किया जा सकता है? गैया मैया के गोबर से, दूध से, घी से, गोमूत्र से, दही से। इसको कहते हैं पंचगव्य। क्या कहते हैं? तो पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा। और गैया मैया का गोबर है ना, देखो मेरे माथे पे क्या लगा है, बताओ? लगा है ना, एक गैया मैया का गोबर माथे पे लगाने से 21 तीर्थों का स्नान है। कितने तीर्थों का? गंगा, सरस्वती, सिंदूर, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, देया, पुरी, तक्षशिला, गया। इतने तीर्थों का स्नान कर लिया। तो आज सब बाद में गौ माता के गोबर का तिलक कौन कौन करेगा? वाह, गैया मैया के गोबर में बहुत ताकत है। ये जो धरती है ना, गैया मैया के गोबर से पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और गैया मैया का जो गोमूत्र है उससे जल शुद्ध हो जाता है। और गैया मैया के मुख से ऑक्सीजन निकलती है तो हम जो वायु, ऑक्सीजन, हवा लेते हैं वो शुद्ध हो जाती है। और गैया मैया का जो घी है ना, जब घी की ज्योत जलाते हैं, घी का यज्ञ करते हैं तो अग्नि शुद्ध हो जाती है। और जब गैया मैया रमाती है ना माँ, तो आकाश तत्व शुद्ध होता है गाय की रमाने से। इतना बड़ा विज्ञान है गैया मैया का। तो बोलो गाय हमारी माँ है कि नहीं है? गाय हमें सब कुछ देती है कि नहीं देती है? गाय हमें दुलार देती है कि नहीं देती है?
गाय के दूध से हमें शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो गाय का दूध पीने से हमारी बुद्धि तेज होती है और गौ माता की सेवा करने से बुद्धि दिव्य होती है। तो गैया मैया के चरणों को दाबना धीरे धीरे। आज सबने यहाँ पर गौशाला दर्शन के लिए आए हो ना, तो गौ माता के दर्शन करना बहुत अच्छे। बहुत प्यारे प्यारे मेरे छोटे भैया बहन हैं, बहुत प्यारे। ये देखो किशन कन्हैया हैं। और किशन भगवान ने तो जब इतने बड़े थे 6 साल के, तो नंगे पैर गौ माता को गौचारण के लिए जंगल में लेके गए थे। 9 लाख गाय बंसी साथ में थी। नंगे पैर गैया मैया को चराने के लिए कहां गए? जंगल में, गोकुल के अंदर, ब्रिज के अंदर। ऐसे भगवान कृष्ण ने 12 साल गैया मैया चराई है, ठीक है कि नहीं? और भगवान बालकनाथ जी ने भी 12 साल गौचारण किया है। गुरु नानक देव जी ने भी 12 साल गाय चराई है। गुरु गोरखनाथ जी ने भी गौचारण किया है। तो आप लोग, हम लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये जो गाय की बच्चिया है ना, ये जो गाय की बच्चिया है, और हमारी जो बिटिया है ये छोटी छोटी, ये घर की रौनक होती है, घर की शक्ति होती है, घर की खुशी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। तो बच्चिया और बिटिया, इनका खूब सम्मान होना चाहिए, इनकी खूब पूजा होनी चाहिए। आज सरकारें भी कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कहता हूं बेटी बसाओ। तो सब अच्छे, और आप सब पढ़ रहे हैं ना राजपुरे के अंदर, SOS संस्था है ना, एक NGO है, पूरे देश भर में इसकी बहुत संस्थाएं हैं। तो आप सब लोग मिलके सुबह उठ के कौन कौन धरती माता को पहले प्रणाम करके फिर पैर नीचे रखते हैं? अभी नहीं कर रहे ना? देखो ये धरती है ना, एक गौ स्वरूपा है। ये धरती कौन है? गौ स्वरूपा है। तो पैर रखने से पहले गौ माता के, धरती माता के चरणों को छूना चाहिए। सुबह उठ के करना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले त गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों को देखो, यहाँ पर लक्ष्मी है, यहाँ माँ सरस्वती है, यहाँ भगवान विष्णु का वास है। इन तीनों को देखना, इन तीनों को देखना है, फिर अपने चेहरे पे मलना है, फिर कहना है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। ये धरती गौ स्वरूपा है, इसको प्रणाम करना है, गोबर का तिलक माथे पे लगाना है, ऐसे। फिर हम पैर नीचे रखें। तो ऐसी दिनचर्या हम शुरू करें, अपने बड़ों का खूब सत्कार करें, उनको प्रणाम करें, अपने गुरुओं को प्रणाम करें, ठीक है? और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें। जरा ऐसे करो सब, बोला हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। बोलो गैया मैया की, अरे बोलो माँ। तो अंत में SOS के अंदर जो बच्चे हैं, जो हमारे दीदी हैं, माताएं बहने आई हैं, इन बच्चों के लिए मैं अपनी गैया मैया से एक प्रार्थना करता हूँ कि हे गैया मैया, इन बच्चों के अंदर जब जब इनको भारत भूमि पर जन्म मिले, जब जब राम कृष्ण नानक शिव की धरती पर जन्म मिले, तब तब के लिए इन बच्चों के अंदर गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग बदीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, और धैर्य पहाड़ का, आप सबके जीवन में आए। सारे मिलके बोलो गौ माता की जय। मैं गौ की सेवा हम करेंगे, गौ की सेवा हम करेंगे, गौ की सेवा हम करेंगे, गौ की रक्षा हम करेंगे, गौ की रक्षा हम करेंगे, गौ माता की जय, गौ माता की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब गौशाला दर्शन करो, देखो गैया मैया के दर्शन करो, और देखो छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं तुम्हारी तरह, इनके दर्शन करो, देखो क्या बात है, देखो कैसे बोलते हैं माँ माँ, बहुत सुंदर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।